साइकिल्स पर हेनरिक से दुनिया के सफर का आगाज करने वाला मिस्टर एंड मिसेज आरपी का जोड़ा इस्लामाबाद पहुंच गया है। आरपी और जीटा का कहना है कि वो पाकिस्तान आकर बहुत खुश हैं और यहां से हसीन यादें समेट कर सफर का दोबारा आगाज करेंगे। जहां से बली की रिपोर्ट। जून 2011 से हनीमून अराउंड द वर्ल्ड के नाम दुनिया के सफर पर निकलने वाले आरपी और जीटा ने शादी के फौरन बाद ही साइकिलों पर ही अपने घर का रुख किया, जिनमें उनका उनके रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी भरपूर साथ दिया। यूरोप से होते हुए अपनी जिंदगी का अनोखा जोड़ा ईरान और चीन से गुजरकर पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की हसीन वादियों में इन दोनों को अपना दिलदादा बना डाला। जर्नी इज अमेजिंग, समटाइम्स वेरी टायरफुल बट समटाइम्स इट्स जस्ट सो You know, I'm just so happy. I have many, many thousands of hundreds of stories to tell to my grandchildren one day. I like the people, I like the culture, I like, you know, the hospitality, what they have, you know, they're just so open, they're just so nice. Everybody should come to Pakistan because it's a very nice country with very nice people and beautiful scenery. Nothing bad happened. So we feel secure here and everything is nice. जीटा कहती हैं कि उन्हें पाकिस्तान आने से पहले उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन की कहानियां सुनाकर डराया गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत की और पाकिस्तान आई और यहां आकर इस मुल्क को बहुत पुरकशिश और लोगों को खुश इखलाक पाया। आरपी और जीटा अब तक 14 ममालिक का सफर तय कर चुके हैं और आइंदा हफ्ते जीटी रोड से अपने सफर का दोबारा आगाज करेंगे और लाहौर के वाघा बॉर्डर से भारत यात्रा का आगाज भी। जहां से बली एयरवे न्यूज इस्लामाबाद।